गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर जीके क्लास वी डू चैप्टर नंबर 12 इन योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अवार्ड्स एंड होनर्स, इनाम और जो है होनर्स, जो आपको सम्मान दिया जाता है वो पदक और आपके सम्मान. फोर एवरी फील्ड्स द अवार्ड्स आर गिवन विच आर हैविंग डिफरेंट टाइटल्स. हर फील्ड में जो अवार्ड जो पदक दिए जाते हैं वो अलग टाइटल होता है उनका. गिवन आर सम नेम्स ऑफ अवार्ड्स एंड द फील्ड एसोसिएटेड विद इट. यहाँ पर कुछ अवार्ड्स के नाम दिए गए हैं और जिस फील्ड से वो रिलेटेड है वो भी यहाँ पर साथ में दी गई है. अब देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड इज बीइंग गिवन इन इंडिया एवरी ईयर फॉर लिटरेरी वर्क. ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हर साल इंडिया में किस काम के लिए दिया जाता है, लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है. अर्जुना अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर. अर्जुना अवार्ड जो होता है वो साल में मतलब किसको दिया जाता है, जो साल का सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है. फिल्म फेयर अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर एक्सलेंट वर्क इन सिनेमा. फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है वो उसको दिया जाता है जिसने बहुत अच्छा काम किया है सिनेमा में उस ईयर में. परमवीर चक्र इज बीइंग गिवन फॉर ब्रेवरी फॉर द फाइट अगेंस्ट एनिमी. परमवीर चक्र किस लिए जाता है, बहादुरी के लिए दिया जाता है. लड़ाई में जिसने बहादुरी से लड़ाई की हो, अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई की हो बहादुरी के साथ, उसको परमवीर चक्र दिया जाता है. इट इज़ द हाइएस्ट ब्रेवरी अवार्ड. यह सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड होता है, यह सबसे बड़ा बहादुरी का पदक होता है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट. दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है ये सारी उम्र की जो अचीवमेंट है, सारी उम्र में जो आपने पाया है उसके लिए दिया जाता है. इट इज़ गिवन इन द मेमोरी ऑफ दादा साहेब फाल्के द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. यह किसकी याद में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के जो इंडियन सिनेमा के पिता माने जाते हैं उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है. तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं. क्वेश्चन टाइम है. यू हैव स्टडीड द चैप्टर, नाउ लेट अस हैव ए क्विज बेस्ड ऑन इट. आपने जो ये चैप्टर रीड किया, स्टडी किया, आइए इसके बारे में अब हम कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर. ज्ञानपीठ अवार्ड किस लिए दिया जाता है, लिटरेरी वर्क के लिए, सिनेमा के लिए या फिर ब्रेवरी के लिए. तो किस लिए दिया जाता है, लिटरेरी वर्क के लिए, जिसको आपको यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है. आगे नंबर टू, विच ऑफ द अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी. ब्रेवरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड या फिर परमवीर चक्र. तो कौन सा दिया जाता है, परमवीर चक्र. तो परमवीर चक्र पर आप राइट लगा दोगे. नंबर थ्री, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. इंडियन सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, अमिताभ बच्चन या फिर दादा साहेब फाल्के या फिर दिलीप कुमार. तो किसको जाना जाता है, दादा साहेब फाल्के. अभी रीड किया था हमने ये. नंबर फोर क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड इज़ गिवन फॉर सिनेमा. सिनेमा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, ट्रू फॉल्स या कांट से, ठीक है ये या फिर गलत है या फिर कुछ नहीं कह सकते. तो ये क्या आएगा इसका, ट्रू. फिल्म फेयर अवार्ड किस लिए दिया जाता है, सिनेमा के काम में दिया जाता है, तो ये ट्रू आएगा. अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर. अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए या फिर बेस्ट प्लेयर ऑफ ईयर. तो बेस्ट प्लेयर ऑफ ईयर ये आएगा, यहाँ पर भी इसको फिल कर देना. नंबर सिक्स, हु गोट
द मिलेनियम अवार्ड इन हिंदी सिनेमा, हिंदी सिनेमा में मिलेनियम अवार्ड किसको मिला है? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार। तो किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है ये अवार्ड? अमिताभ बच्चन को। ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस जिनको आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है, एंड फिर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 डाल के आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 6 ही आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखना है और फिर इनको याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।